इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSP द्वारा ANM का जो एग्ज़ाम आयोजित हुआ था आपके 3 फरवरी 2024 को, तो उसकी ऑफिशियली आंसर की बोर्ड ने जारी कर दी है। अब ऑफिशियली आंसर की को चेक करने का सही तरीका क्या है उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करूंगा। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और इसके अलावा थोड़ी देर बाद मैं आपका पूरा पेपर ही अपलोड कर दूंगा आंसर के समय, जिससे आप अपने मिलान कर सकते हो इस वीडियो से। तो सबसे पहले आप देख सकते हो, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पर कोई आपत्ति है तो वो आपत्ति के लिए भी आपका लिंक एक्टिव रहेगा। वो कब रहेगा उसके बारे में सबसे पहले बता देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि यदि किसी परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र में सम्मिलित किसी भी उत्तर के संबंध में कोई आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ दिनांक 29 फरवरी 2024 समय 1 बजे से दिनांक 2 मार्च 2024 समय 3:59 बजे तक अपनी ऑनलाइन आपत्ति बोर्ड की वेबसाइट पर दर्ज करवा सकते हो। यानी कि आप 29 फरवरी से मध्य रात्रि की 1 बजे से लेकर 2 मार्च की रात को 11:59 बजे तक आप अपनी किसी भी क्वेश्चन पे डाउट है या आंसर में डाउट है तो वह आपत्ति दर्ज करवा सकते हो। आपत्ति के लिए जो शुल्क है वो आपके 100 रुपये पर क्वेश्चन लगेंगे। अब जैसे अगर आप 4 क्वेश्चन पर आपत्ति लगाते हो तो आपके 400 रुपये लगेंगे, 2 क्वेश्चन पर लगाते हो तो 200 क्वेश्चन लगेंगे, 200 रुपये लगेंगे, यानी कि पर क्वेश्चन आपकी 100 रुपये शुल्क है। अब मैं बात करता हूँ आंसर की चेक करने का सही तरीका। आप देख सकते हो यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि परीक्षार्थी को परीक्षा में अलग अलग सेट के प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाए गए हैं। अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र में उनको उपलब्ध कराए गए प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न अलग अलग क्रमांक पर सम्मिलित है। उनके प्रश्न पत्र में किसी प्रश्न के उत्तर के दिए गए विकल्प का क्रम भी अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र के उत्तर के विकल्प में भिन्न क्रम में हो सकता है। अतः यह भी सूचित किया जाता है कि बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र की प्रश्न संख्या व उत्तर के विकल्पों के क्रम के आधार पर ही अपनी आपत्तियां दर्ज कराए और इसका ध्यान अवश्य रखें। अब बात करता हूँ आंसर की आपको कैसे चेक करनी है। तो जैसे कि बोर्ड ने क्वेश्चन पेपर भी अपलोड किया और आंसर की भी अपलोड की है, तो आपके पास जो क्वेश्चन पेपर है आप ऐसा ना करें कि बोर्ड ने आंसर की अपलोड की है और आपके पास क्वेश्चन पेपर है, आप उसी क्रम के अकॉर्डिंग आप चेक कर रहे हो आंसर, तो ये आपका बिल्कुल गलत तरीका है। आपको क्या करना है, आपको बोर्ड की एक क्वेश्चन पेपर है वो भी डाउनलोड करना है और बोर्ड की जो आंसर की अपलोड की अभी है वो भी डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको अपना पेपर देखना है, फिर आप जो अपने पेपर में पहले नंबर का क्वेश्चन देखोगे वो आपको रीड करना है, और फिर आप जो बोर्ड की आंसर की और क्वेश्चन पेपर है तो बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में जो आपका पहला नंबर का क्वेश्चन है वो कौन से नंबर पर क्वेश्चन है, माना कि वो क्वेश्चन आपके 26 नंबर पर है, तब आप आंसर की में 26 का आंसर देखोगे क्या है और वही आपके पेपर का पहले नंबर का आंसर होगा। यानी कि इस तरह से चेक करनी है कि आपको अपने प्रश्न संख्या नहीं देखनी है, आपको क्वेश्चन पूरा रीड करना है कि आपके पास जो पेपर है वो क्वेश्चन कौन से नंबर पर है और बोर्ड ने जो अभी क्वेश्चन पेपर अपलोड किया है उस क्वेश्चन पेपर में वो क्वेश्चन कौन से नंबर पर है, और बोर्ड के जो क्वेश्चन पेपर पर अपलोड किया गया क्वेश्चन पेपर है उसी में आपको आंसर की देखनी है, ना कि आपके पास जो पेपर है उससे आप आंसर की का मिलान करोगे। तो ये बात आप जरूर ध्यान रखें, और कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें पूछ सकते हो, और थोड़ी देर बाद जो आपके पूरा पेपर है उसका मैं वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ आंसर की समेत, आप वीडियो के अकॉर्डिंग भी चेक कर सकते हो, आराम से चेक कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।